बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करते हैं कुछ शेप्स के बारे में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आकृतियाँ। बच्चों को तो शेप्स पता ही होंगी, लेकिन आपने शेप्स देखी हैं पर आपको उनका नाम नहीं पता होगा। तो चलिए आज हम उनके नाम के बारे में, उनके बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले क्या आता है बच्चों? सबसे पहले आ रहा है ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं और यह देखने में, आपने समोसा देखा है? समोसा भी ट्राइंगल शेप में होता है, ब्रेड पकौड़ा ट्राइंगल शेप में होता है और सैंडविच तो आपने देखा ही होगा, वो भी ट्राइंगल शेप है। और कुछ चिप्स भी ट्राइंगल शेप में आते हैं, जैसे मैड एंगल्स, वो तो बच्चों ने खाया ही होगा क्योंकि बच्चों को चिप्स क्या होते हैं, बहुत ही पसंद होते हैं। अब मैं बात करती हूँ सर्कल के बारे में। सर्कल की शेप में होता है, राउंड शेप में, जैसे आपकी चपाती होती है ना राउंड शेप में। और सर्कल की कोई साइड नहीं होती है, ठीक है बच्चों? और कुछ नेचुरल फिगर्स हैं जो सर्कल शेप में, जैसे सन, मून, कॉइन, आपने कॉइन तो सुनी होगी ना, ऊपर चंदा गोल गोल, नीचे धरती गोल गोल, मम्मा की रोटी गोल गोल, पापा के पैसे गोल गोल, सारी दुनिया गोल मटोल, सुनी है ना अपने पोएम? अब ये कौन सी फिगर आई, ये कौन सी शेप है? ये है स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। एंड क्या क्या चीजें स्क्वायर शेप में होती हैं जो आपने देखी हैं? आपने कैरम बोर्ड खेला है? कैरम बोर्ड में जो बोर्ड होता है जिसके ऊपर आप कैरम खेलते हैं, किस शेप में होता है? स्क्वायर शेप में। ब्रेड तो आप सभी ने खाए होंगे, ब्रेड का शेप भी क्या होता है? स्क्वायर। समझ आया बच्चों? अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल एक तरह का स्क्वायर हम बोल सकते हैं और स्क्वायर को भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं, पर रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती, इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों? इक्वल। रेक्टेंगल शेप में क्या होता है? आपकी बुक, आपने देखा ना, एक साइड थोड़ी लंबी होती है, एक साइड थोड़ी छोटी। आपकी बुक, डोर, ये सब क्या है? रेक्टेंगल शेप में। अलमीरा होते हैं ना रेक्टेंगल शेप में। आपका ज्योमेट्री बॉक्स, ये भी क्या है? रेक्टेंगल शेप। घर में आपके टीवी लगे होते हैं, वो भी किस शेप में होते हैं? रेक्टेंगल शेप में होते हैं। कुछ फोटो फ्रेम्स होते हैं रेक्टेंगल शेप में, विंडोज होती हैं, और बहुत सारे आइटम्स हैं जो हमें रेक्टेंगल शेप में देखने को मिल सकते हैं। आपका जो क्लास में ब्लैक बोर्ड होता है वो भी रेक्टेंगल शेप में ही होता है बच्चों। अब ये कौन सी फिगर है, इसको पहचानने की कोशिश करो, आपने देखी होगी पहले भी। ये है कोन। आप सभी ने बर्थडे तो सेलिब्रेट किए ही होंगे। जो बर्थडे पे हम अपने सर पे कैप लगाते हैं वो कौन सी शेप में होती है? कोन शेप में। और इसकी शेप में और क्या आता है? इस शेप में आते हैं आपकी आइसक्रीम कोन। सभी ने खाई होंगी ना, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती हैं। जब नेक्स्ट टाइम आप आइसक्रीम कोन खाएंगे तो उसकी शेप पर जरूर ध्यान देना, वो कौन सी शेप है? वो है कोन। और आपने रॉकेट तो देखे ही होंगे, रॉकेट, मिसाइल्स, इनका टॉप कैसा होता है? कोन शेप में। कुछ लोग अपने घर पर अपने छत की टॉप भी कोन शेप में डिजाइन करा लेते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी घर जाएं तो छत की शेप जरूर देखिए किस शेप में है। अब ये तो बच्चों में बहुत ही पॉपुलर है, बताइए कौन सी शेप है? स्टार। बच्चों को बहुत ही पसंद होती है ये शेप। जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपकी टीचर आपको क्या देती है नोटबुक में? स्टार। और स्टार क्या होते हैं? स्टार्स के अंदर मैनी ट्राइंगल्स होते हैं, और कुछ स्टार फाइव पॉइंटेड होते हैं, कुछ कितने होते हैं? सिक्स पॉइंटेड। और स्टार बच्चे इजीली अपने नोटबुक में ड्रॉ भी कर लेते हैं क्योंकि स्टार तो बच्चों को बहुत पसंद है। अपने पोएम भी सुनी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, सुनी है ना? स्टार शेप तो आपने इसका नाम पहले भी सुना है, ठीक है प्यारे बच्चों? आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।
हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए।